सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इसके पहले स्टूडेंट हम देख रहे थे एमिटर मल्टी रेंज एमिटर का फर्स्ट टाइप। अभी हमें जो सेकंड देखना है उसका नाम है आरटीएन और यूनिवर्सल शंट। ठीक है, तो क्या होता है आरटीएन या यूनिवर्सल शंट? तो एक मैंने आपको एक यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बताया है, ठीक है, जो आर्टन या यूनिवर्सल शंट होता है। तो इन दिस टाइप द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द मीटर इन द सर्किट विदाउट अ शंट इज अवॉइडेड। ठीक है, इस टाइप के अंदर क्या होता है, सर्किट में जो रेजिस्टेंस रहता है, शंट रहता है, उसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। देयरफॉर मेक बिफोर ब्रेक टाइप ऑफ स्विच इज नॉट नेसेसरी। फर्स्ट टाइप के अंदर हमने देखा है कि मेक और ब्रेक, मेक बिफोर ब्रेक टाइप स्विच की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो जो स्विच है उस स्विच को यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बट देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन ओवरऑल मीटर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या बताया हमने, ये एक मीटर पीएमएमसी मैकेनिज्म है। ठीक है, और यहाँ पे हम तीन अलग अलग रेंज के क्या बना रहे हैं, डीसी एमिटर बना रहे हैं। रेंज है हमारे पास I1, I2 और I3। ठीक है, तो इसके पैरेलल में हम तीन रेजिस्टेंस लेंगे R1, R2 और R3। ठीक है, जब हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो हम रेंज सिलेक्ट करेंगे I1। अगर ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट की तो रेंज सिलेक्ट होगी R2, I2, और यहाँ पे कनेक्ट की तो रेंज सिलेक्ट होगी I3। और बिटवीन दिस टू टर्मिनल यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो एडवांटेज है कि इस टाइप के अंदर मेक बिफोर ब्रेक टाइप की स्विच की जरूरत नहीं पड़ती है। बट देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द ओवरऑल मीटर रेजिस्टेंस। तो ये मीटर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब आर्टन और शंट टाइप में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, RSH इक्वल्स टू IM इंटू RM डिवाइडेड बाय I माइनस RM। अगर मुझे रेंज चाहिए I3, तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे आएगी, सीरीज में आएगी। ठीक है, तो टोटल शंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हमारा टोटल शंट रेजिस्टेंस बना, इक्वल्स टू होगा IM इंटू RM डिवाइडेड बाय, यहाँ पे करंट लेंगे हम I3 माइनस IM। ठीक है, अगर हमें रेंज चाहिए I2, ठीक है, रेंज I2 चाहिए, तो ये जो स्विच है ये यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तब हमारा शंट रेजिस्टर बनेगा R1 प्लस R2, और ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के सीरीज में आएगा। ठीक है, देयरफॉर यहाँ लिखा हमने, फॉर द रेंज ऑफ I2 द शंट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 इक्वल्स टू IM। ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के सीरीज में आया, तो टोटल सीरीज रेजिस्टेंस बनेगा RM प्लस R3 डिवाइडेड बाय, करंट कौन सा है, I2। करंट अगर I2 है तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे I2 से I2 माइनस I1। अगर हमें रेंज चाहिए I1, तो उस समय R2 और R3 ये सीरीज में आएंगे RM के, और R1 बनेगा शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फार्मूला बनेगा R1 इक्वल्स टू IM मल्टीप्लाइड RM प्लस R3 प्लस R2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे करंट का वैल्यू चेंज होगा, I3 माइनस I1 माइनस IM। तो इस प्रकार से हम अलग अलग रेंज का मल्टी रेंज एमिटर बना सकते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 and 3 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R1, R2, R3। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ आर्टन और यूनिवर्सल शंट, और दीज आर द टाइप्स ऑफ मल्टी रेंज डीसी एमीटर। थैंक यू, अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक द डीसी वोल्टमीटर।